400 साल यहाँ पर पुराने शहर में गुंडा राज चल रहा है, वो जिक हक छीनने वाला पहला आदमी ओवैसी साहब। सर मैं सऊदी में पली बड़ी हूँ और मैं हर साल जब भी वेकेशन पे आती थी तो मैं देखती थी कि हम लोग चुड़ी बाजार जाते थे, ओल्ड सिटी पूरा घूमते थे, तो वही हाल आज भी जो तंग गलियां हैं, वहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख नहीं रहे, स्पेशली वहाँ की बच्चियाँ जो कम उम्र में शादियाँ हो रही होंगी, मेरे को उससे बहुत दिक्कत है। माधवी लता जी भी अच्छा काम कर सकती है, उनको एक बार चांस देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू जीडी मिटला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों हैदराबाद ओल्ड सिटी में कुछ मजलिस के मुखालिफिन लोग हैं जो मुसलमान होकर भी बीजेपी और उनकी कैंडिडेट माधवी लता को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये भूल रहे हैं जिस पार्टी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो पार्टी हमेशा से मुसलमानों पर जुल्म करते आई है, चाहे वो मणिपुर का फसाद हो या गुजरात के दंगे या फिर बाबरी मस्जिद का मसला हो। बीजेपी वाले हमेशा गौ रक्षकों के नाम पर मुसलमानों को मार दिया करते हैं। माधवी लता जी जीत रहे हैं क्योंकि इस वक्त मुसलमान जो गुमराही में थे, इस वक्त उनको अकल आ चुकी है। सिर्फ जज्बाती तकारीर के काम के है ये लोग, डेवलपमेंट के काम के नहीं है। अब ये कुछ चंद लोग हैं जो पैसों के लिए अपने ईमान को बेच दिया करते हैं, तो आप लोग इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? हैदराबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब कीजिए। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जिनका नाम अनम बताया जा रहा है। ये मासूम सी बच्ची हैदराबाद की आवाम से गुजारिश करते हुए आने वाले इलेक्शन 13 मई को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट डालकर कामयाब करने की अपील कर रही है, देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद की आवाम से मेरी गुजारिश है कि 13 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सच्चे और अच्छे इंसान है। असदुद्दीन ओवैसी साहब 24 घंटे अवाम के दरमियान में रहते हैं, पब्लिक का काम करते हैं। दारुल सलाम से आज तक कोई भी खाली नहीं गए, वो सबका काम करते हैं। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। कहीं पार्टी आए भी चले गए भी, MIM एक सच्ची पार्टी है जो बरसों से टिकी हुई है और कयामत तक रहेगी इंशाल्लाह ताला। मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है, आप सब पतंग के निशान पर वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कामयाब कीजिए। जय हिंद।